सीतापुर के हरगांव थाना इलाके में छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध पर दो पक्षों में हुआ टकराव अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज करणी सेना पहुंची इस मामले को लेकर के, पहले थाने में हंगामा किया, धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद लखीमपुर सीतापुर रोड जाम कर दी। हालांकि कुछ देर बाद जाम हटा लिया है, लेकिन तनाव फैला हुआ है इलाके के कई गांवों में इस मामले को लेकर। आपको बता दें कि छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध में जो टकराव हुआ, ये कई सवाल खड़े करती है घटना। मिशन शक्ति अभियान जो सरकार चला रही है, सीतापुर प्रशासन के मिशन शक्ति अभियान पर ये बड़ा सवाल है। और एंटी रोमियो दस्ते जो लगातार सक्रिय रहकर दावा किया जाता है प्रशासन की तरफ से कि कॉलेजों के बाहर सक्रिय रहते हैं, वो कहाँ थे जो ये घटना हो गई। और पुलिस ने, हरगांव पुलिस ने अगर कल यानी सोमवार को घटना के बाद छेड़छाड़ और पास्को एक्ट की संबंधित धाराएं दर्ज की होती तो शायद ये नौबत ना आती। फिलहाल आज वहाँ क्या माहौल है और क्या पूरा घटनाक्रम आज का है, पूरी जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं सीधे अपने हरगांव के सहयोगी अनूप रस्तोगी से। जी अनूप जी, उदय जी, आपको बता दें कि ये घटना कल की है। कल से इस घटना की शुरुआत होती है। आदर्श इंटर कॉलेज परसेरा माल में है, वहाँ कक्षा 9 में एक छात्रा जो है, वहीं जगन्नाथपुर की एक छात्रा जो है वहाँ पे जो है पढ़ती थी। जी तो उसके साथ एक दूसरे समुदाय के लड़के ने जो है एक दो दिन पहले छेड़छाड़ की थी, तो उसका उसने विरोध किया और घर वालों को ये बात बताई। तो घर वालों ने उसके साथ में उसके भाई को भेजा कि अब आज तुम जाओ, अगर कोई बात ऐसी होती है तो हमको बताना। तो उसका भाई साथ में गया था विद्यालय। जब वो विद्यालय जा रहे थे तो वही जो मनमर लड़का था उसने जो है फिर जो है कोई बदतमीजी और फप्तियां कसी उस पे, तो उसके भाई ने उसका विरोध किया। जब विरोध किया तो उसमें वाद विवाद हुआ और उसने जो है जैसा तहरीर में दिया गया है, उन्होंने असल है कि बट उस युवक ने असल है कि बट से उस लड़के को घायल कर दिया और वो लड़का घायल हो गया। जब घायल हो गया वो लड़का तो उसने अपने घर वालों को सूचना दी। सूचना पर जो है उसके घर वाले वहां पे आ गए। और जब घर वाले आ गए तो उसने भी, जो लड़का जिसने बट मारी थी, उसने भी बुला लिया कुछ लोगों को और वहां पर मारपीट होने लगी। जो बीच बचाव करने लोग आए उनके साथ भी मारपीट की गई, दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट की घटना को लेकर जो है जो छात्रा का पक्ष था वो थाने आया और उसने तहरीर दी। तहरीर देने पर वहां पर जो है मारपीट का मुकदमा लिखा जा रहा था। इस बात को लेकर इन लोगों की नाराजगी थी और इस बात को लेकर इनके परिवारिक जनों ने बड़ा दबाव बनाया। और जब दबाव बनाया और काफी काफी देर बाद जी मामला जब तूल तूल पकड़ा और मीडिया की सुर्खियां भी बनी जी, घटना जी 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 उसके जब बाद मीडिया, हाँ जब मीडिया की सुर्खियां बनी तब फिर आनंद फानंद में उसको जो है छेड़खानी में और पास्को एक्ट में उपरोक्त मुकदमा दर्ज किया गया। और उसमें गिरफ्तारी को लेकर जो है संदेह बना हुआ था छात्रा के परिजनों में। इसी बात को लेकर आज करणी सेना के जिलाध्यक्ष हैं अजीत सिंह, मुमताजपुर के रहने वाले हैं, ये अपने 20-25 साथियों के साथ आए और थाने में धरने पर बैठ गए। और इन्होंने ये आरोप लगाया कि जो है पुलिस उसमें जो है ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे जो है हम लोग असंतुष्ट हैं। तो वहीं पर जो है थाना अध्यक्ष थे नहीं तो दूरभाष के माध्यम से बात की गई, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि जो है जो उचित कार्रवाई हो वो पूरी तरीके से होगी, आप लोग निश्चिंत रहें। तो ये लोग चले गए। जब ये लोग वापस जा रहे हैं तो यही सीतापुर लखीमपुर मार्ग पे जो है जहाँ पे घटना हुई थी उसी से पहले गांव पड़ता है सिमरी, जहाँ का वो लड़का रहने वाला है आरोपी, तो आरोपी तो वहां पर जो है इन लोगों ने बांस बल्ली लगा के जो है इनकी मोटरसाइकिलों को, 20-25 लोग ये लोग थे, इनकी मोटरसाइकिलों को रोक लिया और इनके ऊपर हमला बोल दिया। जब हमला बोल दिया तो ये लोग, कुछ लोग मोटरसाइकिलें छोड़कर वही परसेरा माल चौराहे तक भागे। इस बात की सूचना जब पड़ोस के गांव में पहुंची, जगन्नाथपुर पहुंची, पड़ोस में गांव अरमी है, पिछौरा है, नौनेर है, बड़ेलिया है, फिरोजपुर है, शेखापुर मूसेपुर है और सेलूमऊ है, उलझापुर तक के लोग वहां पर 500-600 की संख्या में लोग जमा हो गए और उन्होंने सीतापुर लखीमपुर मार्ग को जाम कर दिया। सीतापुर लखीमपुर मार्ग लगभग 1.5 घंटा जो है जाम रहा है, जिसमें जो है सीओ सदर भी आ गए, इसके बाद जो है एडिशनल दक्षिणी जो है जब वहां पहुंचे हैं। तो 1.5 घंटे के बाद इन लोगों को जब आश्वस्त किया है
की जो है कार्रवाई होगी, जो लोग चोटिल हुए हैं उनका मुकदमा लिखा जाएगा और सबको गिरफ्तार किया जाएगा और कल तक कार्रवाई होगी। इस आश्वासन के बाद वहां पर धरना जो है इन लोगों ने खत्म किया है, और जो हमले में जो है लगभग 4 लोग घायल भी हो गए हैं, जो एक जिनका नाम गोविंद सिंह है, जगन्नाथपुर के हैं, प्रेम प्रकाश सिंह हैं और संग्राम सिंह हैं और धीरज सिंह, ये 4 लोग घायल भी हुए हैं जिनके ऊपर हमला बोला गया था। जी ये घटनाक्रम हुआ है आज। अनुप जी बताइए, आरोपी जो हैं उनमें से क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? आरोपी में जहां तक हमारी जानकारी है, जो जिस सहोदे ने छेड़छाड़ की थी उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अन्य किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन उदय जी आपको बताते चलें कि घटना चूंकि दो समुदायों के बीच में है, इसलिए काफी तनाव वहां पर आसपास इलाके में व्याप्त हो गया है। जी बिल्कुल, यकीनन तनाव व्याप्त है, बड़ी घटना है और बड़ी घटना को छोटी बनाने के चक्कर में पुलिस लगी रही, जिसके चलते आज ये घटना इतना बड़ा तूल पकड़ गई है। और अब भी आप जैसा आपने बताया कि आरोपी पक्ष ने इन लोगों को रोक लिया और रोक कर हमला किया इन पर, तो आप समझ सकते हैं, दर्शक भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर हौसले बुलंद है आरोपियों के। कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं, जबकि छेड़छाड़ का आरोप था उन पर और उस पक्ष ने ऐसी घटना को अंजाम दिया। सीतापुर लखीमपुर मार्ग को जाम कर रोका गया है करणी सेना के लोगों को और हमला किया गया है, आरोप है करणी सेना का। फिलहाल तनाव इस कदर है कि कई गाँव में इस बात को लेकर धीरे धीरे तनाव बढ़ता जा रहा है और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। अगर जल्द ही इस मामले का कोई निराकरण न किया गया तो निश्चित ही ये वाद विवाद जो धूल पकड़ता जा रहा है कभी भी एक बड़ी घटना का रूप ले सकता है। फिलहाल वहां हाँ पर उदय जी, जाम। आपको बताएं आपको जी कि ये बिल्कुल बात सही है, अगर पुलिस त्वरित तो एक्शन ले लेती या तुरंत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर देती और गिरफ्तारी कर लेती तो इतनी बड़ी बात हमारे हिसाब से नहीं बनती। लेकिन वो जो धीरे धीरे करके जो है वो बात बनती गई, और कहीं उनके हौसले कहीं से इतना बुलंद है कि ये लोग वापस जा रहे थे और उनको बाप बती लगा के उनके ऊपर हमला कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें ये माना जाएगा कि पुलिस का खौफ बिल्कुल भी इनके लोगों के ऊपर नहीं यकीनन है। पुलिस की लापरवाही है और पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती भी हो गई है इस मामले को रफा दफा करने की। अगर पुलिस ने समय, अब भी समय है उनके पास, अगर पुलिस ने ठोस कदम नहीं उठाया तो निश्चित ही बड़ी घटना सामने कभी भी आ सकती है। फिलहाल अनूप जी आप नजर बनाए रखिए हालातों पर, हम आपसे फिर जुड़ेंगे अगर कोई अपडेट होती है। और दर्शक आई इंडिया से जुड़े रहे, हम लगातार इस मामले को लेकर सबसे पहले आपको घर बैठे आपके मोबाइल पर खबर पहुंचाते रहेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।